कि आपके प्लांट पे कलियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं आ रही हैं, या कलियां और फूल आ रहे हैं तो उनका साइज सही नहीं है। फूल के खिलने से पहले ही कलियां झड़ जा रही हैं, या फूलों का साइज सही नहीं आ रहा, या उनका कलर सही नहीं आ रहा, या बिरर बिरर करके आ रहा है, या प्लांट की ब्रांच प्लांट पे न्यू ब्रांच नहीं आ रहे हैं, प्लांट का उचित विकास नहीं आ रहा, प्लांट अपनी ग्रीनरी खो चुकी हैं। ग्रीनरी खोने का मतलब है उसमें हरापन गायब हो जाना, या प्लांट के फूलों का कलर गायब होना। सारी समस्या का एक समाधान मैं लेकर आई हूँ, जिसको आप करेंगे और उस फर्टिलाइज़र को आप डालेंगे तो आपको सारी समस्या से निजात मिल जाएगा और फूलों का साइज अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा, कलियां फूल बनकर ही गिरेंगी, उससे पहले नहीं गिरेंगी, और भारी मात्रा में आपको फूल मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये मेरे ये कनेर के प्लांट पर कितने भारी मात्रा में फूल आए हैं। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो आज मैं जो मैं खाद डालूंगी तो उसको आप भी डालेंगे तो आपको भी वैसे ही भारी मात्रा में फूल वगैरह मिलेंगे। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और वह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। तो फ्रेंड, प्लांट की जो कलियां के झड़ने का कई कारण होता है। एक तो मिट्टी का सही तैयार न होना, वो भी एक कारण होता है कि जो कलियां फूल बनने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो कोशिश यह करिए कि मिट्टी सबसे पहले अच्छा तैयार करिए। आप चाहे जितना खाद वगैरह डाल लीजिए, प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करिए। अगर मिट्टी अच्छी नहीं बनी है तो चाहे जो कर लीजिए, और प्लांट पर कतई आपके अच्छे से फूल नहीं आ सकते हैं, कलियां नहीं बन सकती हैं, उचित विकास नहीं हो सकता है। तो मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिए, ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो, ताकि मिट्टी में पानी ना रुके। वेल ड्रेन मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें आप पानी डालें और पानी छन कर निकल जाए, उसमें रुके ना, तो उसे वेल ड्रेन मिट्टी कहते हैं। तो हर प्लांट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है। तो मिट्टी का उचित चुनाव बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके अच्छे से इस पे फूल वगैरह आते हैं, कलियां वगैरह आती हैं, न्यू ब्रांच आते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और समय समय पर मिट्टी की खुदाई वगैरह करते रहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी ताकतवर होती है, ऊर्जावान होती है। जब मिट्टी ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, तो उसमें बहुत अच्छे से फूल वगैरह आते हैं। तो आपने देखा ही कि मेरे प्लांट पर कितने अच्छे से फूल वगैरह आए हैं। तो आप भी ऐसे ही फूल पाना चाहते हैं तो जो जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपके भी प्लांट पर बहुत अच्छे से फूल वगैरह आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिए, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए, ताकि जो भी आप पानी डालें एक्स्ट्रा पानी छन कर निकल जाए। और दूसरा, समय समय पर मिट्टी के अंदर ये फंगिसाइड पाउडर का घोल बना के डालते रहिए। फिर महीने में एक बार खाद वगैरह डालते रहिए। देखिए, क्योंकि जो गमले की मिट्टी होती है उसे खाद की और नियमित देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर यही पौधा अगर आप उसमें लगा दे रहे हैं ज़मीन में, तो इसको कोई भी केयर नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसको प्रॉपर ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे समय समय पर पानी डालना, समय समय पर खाद डालना, इसकी गुड़ाई निराई, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो अगर एक्स्ट्रा घास वगैरह निकल जाए उसको समय समय पर निकाल कर फेंक देना, ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि एक्स्ट्रा घास वगैरह भी होता है तो प्लांट की सारी ऊर्जा ये घास वगैरह ले लेते हैं, और जिससे हमारे प्लांट के विकास में बाधा और उत्पन्न होती है। तो खाद वगैरह डालने से पहले मिट्टी की प्रॉपर तरीके से खुदाई कर लेंगे। तो चलिए हम मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि मैंने हल्के हाथों से खुरपी लगाई और बहुत अच्छे से खुदाई हो गया है। तो आप भी ऐसे खुदाई कर लीजिएगा। और इधर मैंने एक कटिंग लगाई थी कोलियस की, तो इधर नहीं खुदाई कर रही हूँ क्योंकि इस कटिंग को मैं अभी निकाल के इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी, तब इसकी वो होगा। लेकिन आज नहीं कर, थोड़ा टाइम का अभाव है। साइड साइड से भी कुछ खुदाई हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने खुदाई अच्छे से कर दिया। एक कारण और होता है कि मान लीजिए जो ये मिट्टी है उसमें कंटिन्यू नमी बनी रही और आपने उसे 6 घंटे की सनलाइट नहीं दिखाई, तो उसके कारण भी कलियां वगैरह नहीं आती। अगर आती भी हैं तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए जितने भी फूल वाले होते हैं पौधे,
उसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट दिखाई, सनलाइट से ही फूल वगैरह आते हैं पौधों पर, नहीं तो फूल वाले पौधे पर अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फूल वगैरह नहीं आएंगे। और यहाँ मैंने खुदाई नहीं की है क्योंकि ये मेरा पिटोनिया का सेट्स गिरा था तो जमा है, तो 2-4 फूल इससे भी मिल जाएंगे मेरे को। तो बीज वगैरह गिरते रहना चाहिए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। चलिए तो खाद दिखाते हैं बिना देर के। तो खाद में मैंने देख सकते हैं कि मैं खाद में क्या ली हूँ, एक छोटी दिया से एक ये दिया है, यानी कि ये 2 चम्मच के करीब मेरा ये एप्सम सॉल्ट है, जिसको डालने से फूलों का साइज अच्छा होता है, फूलों का कलर सही होता है। अगर पत्तियाँ ने अपनी हरियाली गायब कर दी है तो पत्तियों में हरियाली आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसका अच्छे से विकास होगा, मतलब सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करेगा एप्सम सॉल्ट, और पत्तियाँ बिल्कुल शाइनिंग शाइनिंग निकल के आएंगी। और ये रहा केचुए की खाद, जो मैंने एक दिया के करीब लिया है, जो बड़े वाले दिया आते हैं उसके करीब। इसको डालने से ये होता है प्लांट में जो भी कमियाँ वगैरह रहेंगी उसका अच्छे से विकास होगा। तो केचुए देखिए, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है, आपके आपके पास अगर केचुए की ही खाद हो तो उसको भी हर महीने में एक दिया डाल दीजिए, चाहे एक मुट्ठी डाल दीजिए, चाहे 2 चम्मच, लेकिन डालिए, क्योंकि फूल वगैरह जो भी पौधे होते हैं उनको थोड़ा सा आहार की ज़रूरत होती है, तब जाके उस पर फूल वगैरह आते हैं। वही मिट्टी में डायरेक्ट लगे होते हैं तो कोई खाद नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब गमले में लगते हैं तो उनका थोड़ा सा उचित विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इस खाद को डालते हैं बिना देर के। तो ये देख सकते हैं मैंने एक दिया के करीब लिया है और इसको ऐसे मैं चारों तरफ से डाल दे रही हूँ। और ये मैंने केचुए की खाद लिया है, इसको अच्छे से फिर मिला लूँगी। और उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको कम से कम 15 दिन बाद इसका अपडेट दूँगी और बहुत अच्छे से ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से और विकास करेगा, क्योंकि इस पर फूल आ चुके हैं और दोबारा मुझे फिर से फूल लेना है अच्छी मात्रा में, तो खाद डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एक बार फूल किसी भी प्लांट पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा वो रेस्ट करने चले जाते हैं 10-15 दिन के लिए, लेकिन मेरे को दोबारा रेडी करना था तो मैंने इसको डाला है। अक्सर इसको नर्सरी वाले बताते नहीं हैं, छुपा कर ही डालते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले जितने होते हैं सब केचुए की खाद ही डालते हैं, इसीलिए उनके छोटे से छोटे प्लांट में आप देखेंगे कि फूल वगैरह बहुत अच्छे से आता है। और एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल के और प्लांट के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं तो उससे भी पौधे का उचित विकास होता है। तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा और खाद को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिला दीजिएगा। तो अभी कुछ देर में देखेंगे जितना मैंने पानी डाला है सब नीचे सूख के चला जाएगा और अच्छे से मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कितना तेज़ी से मेरा पानी सूख रहा है। तो ये फ़ायदे होते हैं वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करने की, ताकि इसकी जड़ें अच्छे से सुरक्षित रहती हैं और बिल्कुल पानी रुकता नहीं है तो पौधे का उचित विकास होता है। तो आप भी ऐसी ही मिट्टी तैयार करिएगा जो आप पानी डालें और तुरंत छन जाए। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय, थैंक यू फ्रेंड।